नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा रॉयल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये रहा हमारी सीरीज का अगला पार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और सांची का जो स्तूप है, ये पूछा जाता है कि किस जिले में आता है। तो ध्यान रखें कि सांची का जो स्तूप है वो रायसेन जिले में आता है। बहुत सारे लोग इसे विदिशा बता देते हैं, कुछ भोपाल बता देते हैं, ऑप्शन में रहेंगे ये, तो ये गलत रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? रायसेन। ध्यान रखें, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये आपका कहाँ है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, पांडव की गुफा किस जिले में स्थित है? पांडव की गुफा आपको पता होगा, पांडव महाभारत से। तो पांडव की जो गुफा है वो पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी किस में आता है? होशंगाबाद में आता है। ध्यान रखें आप, पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है, पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो खंडवा में स्थित हैं। शंकराचार्य ने इन गुफाओं में रहकर शिव आराधना की थी। यह ओमकारेश्वर में स्थित है। इनका जन्म, शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो केरल में स्थित, मतलब केरल में एक स्थान है कलादी करके, वहां पे हुआ था। और खास बात इनकी मानी जाती है कि इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण पैदल किया था, पैदल पूरे भारत का भ्रमण पैदल किया था। और भारत के चारों कोनों में इन्होंने मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य द्वारा जो मठ स्थापित किए गए थे वो यही शंकराचार्य हैं। बहुत मतलब इन्होंने जो है ना हिंदू धर्म को बहुत फैलाया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो जबलपुर के पास बरेला गांव है, बरेला ग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन का निर्माण कब हुआ था? भारत भवन का निर्माण 1982 में हुआ था। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था भारत भवन से रिलेटेड। भारत भवन का डिजाइन किसने बनाई थी वो आपको बताना है। रानी अवंती बाई की समाधि कहां स्थित है? रानी अवंती बाई की समाधि मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि कहां स्थित है? महारानी सांख्य राजे सिंधिया की जो समाधि है वो शिवपुरी में स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का जो मंदिर है वो ग्वालियर में स्थित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सास भी हो और बहू भी हो, ऐसा नहीं। इसका नाम था सहस्त्रबाहु था, तो अंग्रेजों ने इसका नाम गड़बड़ कर दिया, सास बहू कहने लगे, तो इसका नाम फिर सास बहू हो गया। तो ये सास बहू है। और भी अगर ग्वालियर के दार्शनिक स्थल पूछे जाते हैं कि और बताइए ग्वालियर में क्या क्या दार्शनिक स्थल है, तो ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर भी है, मान मंदिर भी है, मान मंदिर है, सूर्य मंदिर है, सूरज कुंड भी है। यहाँ पर एक गुजरी जाति की एक महिला थी, उनका एक महल भी है, गुजरी महल। और तेली का मंदिर भी है यहाँ पर। और यहीं पर पुरातत्व संग्रहालय भी है, यहाँ पर एक संग्रहालय भी है ग्वालियर में। और यहाँ पर तानसेन की समाधि है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पर ग्वालियर में ही तानसेन की समाधि है। और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। और यहीं पर मोहम्मद गौस का भी मकबरा यहीं पर स्थित है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये सारी चीजें स्थित हैं, ग्वालियर के दार्शनिक स्थल, सूरज मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय, गुजरी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड, ये सारी चीजें यहीं पे जो अभी हमने आपको डिस्कस की थी। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ है? तो यह है आपका पचमढ़ी में। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो यह आपका बैतूल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बालक अवतार कहाँ धारण किया था? तो यह किया था चित्रकूट में। और चित्रकूट को 2005 में पवित्र नगरी भी घोषित कर दिया गया था। हाँ, 2005 में पवित्र नगरी भी घोषित कर दिया था। ऐसे भगवान श्री राम ने वनवास के समय यहीं पर महर्षि अति व सती अनसुईया के अतिथि बनकर रहे थे। अति व सती के अतिथि बनकर यहीं पर रहे थे। पुष्पगिरी जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है कहाँ स्थित है? तो अपने देवास में स्थित है। अब हम बात करते हैं नरवर किला। नरवर का किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा है? तो ये नल दमयंती की कारण चर्चा में रहा है और ये शिवपुरी में आता है। सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी किसे कहा जाता है? तो आनंद की नगरी अपने मांडू को कहा जाता है। और पूछे जा सकते हैं कि मांडू में और कौन कौन से स्थल हैं, तो आपको ध्यान रखना है मांडू में यहां पर जहाज महल भी है, रानी रूपवती का महल भी है, बाज बहादुर का महल भी है और हिंडोला महल, असरबी महल यहीं पर हैं। कहां पर? मांडू में। अगला क्वेश्चन है, सोनगिरी के प्रसिद्ध 108 जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके दतिया में स्थित हैं। शिल्प कला का तीर्थ पर्यटन स्थल किसको कहा जाता है? तो ये खजुराहो को कहा जाता है। खजुराहो में बहुत सारे और भी दार्शनिक स्थल हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल याद कर लीजिए इन्हें। तो यहाँ पर खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर है। यहाँ पर कंदरिया मंदिर भी है, यहीं पे कंदरिया महादेव मंदिर और आदिनाथ मंदिर भी यही है, विश्वनाथ मंदिर भी यही है, 64 योगिनी मंदिर भी यही है और दूल्हा देव मंदिर भी यही है, लक्ष्मण मंदिर, मानतेश्वर मंदिर और चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर, जैन मंदिर भी यहीं पर है, ध्यान रखें आप। अब हम चलते हैं आगे। मुगल शासक जहांगीर ने मध्य प्रदेश में कहां पर शरण ली थी? तो एक ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी। एक एक क्वेश्चन आता है ओरछा से, ओरछा का दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन नहीं है। अगला है इसी में, यहाँ पर दार्शनिक स्थल में यहाँ पे बहुत ही भव्य राम मंदिर है, यहाँ पर जहांगीर महल भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, चतुर्भुज मंदिर भी है और यहीं पर सावन भादों के खम्भे भी स्थित हैं, ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं हम, दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपवती का महल कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मांडू में स्थित है। मंदिर मूर्तियों की नगरी या महाकाल की नगरी के रूप में कौन सा शहर विख्यात है? तो ये आपका उज्जैन है। उज्जैन में यहाँ हर वर्ष, यहाँ हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं और एक आपका उज्जैन में ही विद्यमान है। 1973 में जयपुर के राजा जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था, ध्यान रखें जंतर मंतर दिल्ली में भी है और आपका राजस्थान में भी है। दार्शनिक स्थल मंगलनाथ मंदिर भी यहीं पर है, सांदीपन आश्रम भी यहीं पर है, बृहदहरि की गुफाएं भी आपकी यहीं पर स्थित हैं। हेलियोडोरस का गौरव स्तंभ
गरुड़ स्तंभ है, ये थोड़ा सा गलत है। गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका विदिशा में स्थापित किया गया था। पूछा जाता है कि विदिशा का पुराना नाम बताइए या प्राचीन नाम क्या है, तो मालिस्तान और मेवास और भेलसा, विदिशा के तीन नाम है, भेलसा, मेवास, महामालिस्तान, ये तीन नाम विदिशा के प्रचलित हैं, जिसमें से भेलसा पेपर में आया हुआ है नाम है। कालिया दह महल कहाँ स्थित है? तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था, तो अमृत कलश में अमृत बूंद यहीं पर गिरी थी, ध्यान रखें, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। भरभूत स्तूप जो सतना जिले में स्थित है, की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, कनिंगम ने की थी। मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है? तो ये भोजपुर के मंदिर को कहा जाता है, बहुत भव्य मंदिर है, यहाँ पर आप देखने जरूर जाएं। धार के राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी, भोपाल से 73 किलोमीटर दूर स्थित है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 1978 में की गई थी। पीताम्बर तांत्रिक पीठ कहाँ स्थित है? तो ये आपकी दतिया में स्थित है। अशोक अभिलेख के लिए प्रसिद्ध रूपनाथ किस जिले में स्थित है? अशोक अभिलेख के लिए जबलपुर में स्थित है रूपनाथ। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आपका भोजपुर में स्थित है। माई का मंदिर, कपिलधारा, दुग्धधारा आदि दर्शनीय स्थल कहां पर स्थित है? तो ये आपके अमरकंटक में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरकंटक जो यहां से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है, और जब नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती हैं, तो यहीं पर नर्मदा माई का मंदिर बनाया गया है। नर्मदा माई का मंदिर यहीं पर स्थित है, ध्यान रखें आप। मध्य प्रदेश की किस गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? तो बाघ की गुफाओं को माना जाता है, बाघ की गुफाओं को माना जाता है। और ये बाघ की गुफाएं हैं, ये इंदौर से लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित हैं, ध्यान रखें आप। ग्वालियर के किले की गुजरी महल बा मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको एक इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया था, ये राजा मानसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी गुज्जर जाति की प्रेमिका मृग नैनी के लिए 1486 से 1516 के बीच गुजरी महल का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध सेल आश्रय भीमबेटका की खोज किसने की? तो ये की थी बाण अक्कर ने। मध्य प्रदेश के पशुपतिनाथ का मंदिर कहां स्थित है? तो ये आपका मंदसौर में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। मध्य प्रदेश की मौसम ऋतु वैधशाला कहां पर स्थित है? तो ये आपकी इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो यहां पर मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखें आप। और एक क्वेश्चन आपको बताना है कर्क रेखा से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अगर आप कोई चीज लिखेंगे तो आपको भी याद बनी रहेगी। मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो मालवा पठार का सबसे गर्म महीना मई होता है। हाँ दोस्तों, मई का महीना मालवा पठार का सबसे गर्म होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में होता है? तो ये मई के ही महीने में होता है। और एक आपसे पूछा जाता है न्यूनतम से रिलेटेड, राज्य में न्यूनतम तापमान किस महीने में दर्ज किया जाता है? तो यहां पर जो जनवरी है, जनवरी के महीने में दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये आपकी गुजरात राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर है? तो 870 किलोमीटर का आपका ये विस्तार है। अच्छा, मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? तो ये 605 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश से लगती है।
अच्छा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना है 308,252 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा के अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? तो आपकी नर्मदा नदी बहती है। अगला है, मध्य प्रदेश के ऊपरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो आपकी कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और यूपी के बीच सीमा भी बनाती है। कैमूर एवं भांडेर श्रेणी मूल रूप से विद्यमान है, तो ये आपके रीवा पन्ना के पठार में विद्यमान है। पृथ्वी का मध्य बिंदु या महाकाल की नगरी किस नाम किस नगर को कहा जाता है? तो ध्यान रखें, पृथ्वी का मध्य बिंदु उज्जैन नगरी को कहा जाता है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश के कितने जिले प्रदान किए गए थे? जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, तो उस समय छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए गए थे? तो 16 जिले दिए गए थे। अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग जिला बनाया गया था? तो अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। 2008 में सिंगरौली और अलीराजपुर नामक दो नए जिले सिंधी और झाबुआ जिले से अलग करके बनाए गए थे। भोपाल एवं राजनांदगांव को प्रथम जिला कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 26 नवंबर 1972। भोपाल पहले सीहोर जिले में आता था, यह पहले सीहोर की एक तहसील थी, सीहोर जिले की तहसील थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 में की गई। और इससे एक क्वेश्चन और आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे आपके फजल अली थे। ये अगला क्वेश्चन बोलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। विंध्य प्रदेश बघेलखंड की राजधानी कहां है? विंध्य प्रदेश बघेलखंड की राजधानी 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो ये 43 जिले थे। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो आपके 61 जिले थे। मतलब 2000 में विभाजन के पहले 12 संभाग और 61 जिले थे। मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। यहाँ का गेहूं विश्व प्रसिद्ध गेहूं है, मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत प्रसिद्ध गेहूं माना जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका गोडवाना की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में है। तो इसका आंसर है सफेद लिली। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है? तो अरावली को मानी जाती है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदान किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो ये आती है बीजावर सीरीज के अंतर्गत। बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है चिपली सीरीज की, चिपली सीरीज की। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई। मध्य प्रदेश का कला परिषद का मुख्यालय आपका भोपाल में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार, ये मैंने इसी वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये आपके चार्ल्स कोरिया। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये सन भी पूछी गई है, ध्यान रखें आप। मध्य प्रदेश सहायक परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो आपकी भोपाल में की गई 1954 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना आपके भोपाल में की गई 1969 में। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? ये आपकी भोपाल में की गई
1979 में। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई, तो आपकी भोपाल में की गई 1980 में। पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई, तो आपकी भोपाल में 1956 में की गई। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, आदिवासी कला संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी आपकी भोपाल में स्थित है। लावणी लोक गायन का नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो लावणी लोक गायन जो है वो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में स्थित है। अगला है प्रेमचंद सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो आपकी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विक्रम विश्वविद्यालय का वो कहाँ है, तो ये आपके उज्जैन में है। अगला है निराला सृजन पीठ, देखो ये प्रेमचंद सृजन पीठ थी, ये निराला सृजन पीठ है, तो ये आपकी कहाँ स्थित है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ की है, भोपाल की। मुक्तिबोध सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है, तो आपके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ का है, सागर का है। कायथा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, कायथा पुरातात्विक स्थल आपका उज्जैन में स्थित है, उज्जैन से 15 मील दूर कायथ नामक स्थान पर है, इसलिए इसका नाम है। यहाँ पर ही 12 मीर की जन्मभूमि मानी जाती है और 12 मीर बहुत प्रसिद्ध है। शासकीय राज्य संग्रहालय कहाँ पर है, शासकीय राज्य संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधिया अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपकी भोपाल में की गई है। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। हिंदी भाषा में गजट ईयर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य, हिंदी भाषा में गजट यह प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना हुआ है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी 1976 में की गई थी। कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई और कहां की गई, आपकी 1977 में की गई है, उज्जैन में की गई है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। देखो मित्रों ये वन लाइनर सीरीज है, इस सीरीज की स्पीड थोड़ी सी तेज रहती है, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती, आती भी है वीडियो समझ में और आपको याद भी हो जाता है, तो आप फिर भी इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रहे। अगर आपने पूरी सीरीज अटेंड कर ली, जितने भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, तो आपका मध्य प्रदेश जीके बहुत शानदार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये सारी चीजें आनी है, आपके नंबर पक्के हैं, ध्यान रखें आप, बस समय देना पड़ेगा आपको। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका भोपाल में। भारत का सर्वश्रेष्ठ नाट्यग्रह में से एक रविंद्र भवन कहां पर है, तो आपका रविंद्र भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह कहां आयोजित होता है, तो आपका होता है खजुराहो में। माधव राव पत्रकारिता संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो आपका भोपाल में स्थित है। ध्रुपद संगीत अकादमी कहां पर स्थित है, तो आपकी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से रीतिकाल का प्रवर्तक आपके केशव दास को माना जाता है, और केशव दास की रचनाएं पेपर में, हर पेपर में आती हैं, और ये हिंदी में भी आती हैं, ध्यान रखें आप, अगर आप हिंदी आपके पेपर में आ रही है तो ये वहाँ भी आएंगी। तो केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं आपकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बामिनी, जहांगीर जस, चंद्रिका नखसिख और चंद्रमाला। देखो रामचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और कवि प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। और जहांगीर जस भी वो तो इंपॉर्टेंट ही लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो आपका माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्य पत्रिका का सृजन किया था,
तो ये वसुधा का किया था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं हरिशंकर परसाई ने, तो आइए इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं है आपकी वसुधा, प्रहरी हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी बहुत आती है, तट की खोज, तब की बात और थी भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पाखंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर, पूछिए परछाई से। तो ये आपकी किसकी रचनाएं थी? हरिशंकर परसाई की ये प्रमुख रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं रसिक प्रिया ग्रंथ है, तो रसिक प्रिय ग्रंथ किसका है? ये आपका केशवदास का है। केशवदास को कठिन काल का प्रेत भी कहा जाता है, ध्यान रखें आप। केशवदास जी की रचनाएं भी बहुत आती हैं। तो केशवदास जी की रचना है आपकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन वामिनी, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्षिक छंदमाला। अब हम चलते हैं आगे। तो ये आपकी केशवदास की हमने पहले ही बताया था, ये वही है, ठीक है। कुछ ऊपर बताई थी आपको केशवदास जी की, ठीक है ना, ये केशवदास जी की, वही केशवदास जी की ये है। केशवदास जी की थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, आप देख लीजिए। त्रिपुरी कलचूरी राजाओं की राजधानी थी, ये वर्तमान में कौन सा स्थान है? त्रिपुरी कलचूरियों की राजधानी थी, हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो ये वर्तमान में जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रवाह नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम है इंदिरा गांधी भवन। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र है, शिवपुत्र। गांधी राग संगीतकार का प्रसिद्ध राग है, गांधी राग संगीतकार कौन संगीतकार का है? कुमार गंधर्व। व्यंग विधा के शिरोमणि कवि किसे कहा जाता है? व्यंग विधा के, तो ये आपके हरिशंकर परसाई हैं। इनकी हमने कुछ रचनाएं देखी थी, आपको याद है क्या? आप उनकी रचनाओं को याद कर पा रहे हैं? हरिशंकर परसाई की कुछ रचनाएं आपको याद आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में याद कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था वसुधा याद है, रानी नागफनी की कहानियां, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ऐसी कुछ रचनाएं थी ना, ये इन्हीं की थी, हरिशंकर परसाई की। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म स्थल, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका शाजापुर है। बालकृष्ण शर्मा की रचना है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोगा और मिला हम विस्पाई जन्म के। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका बाबई में हुआ, और बाबई आपका कहाँ है? होशंगाबाद में स्थित है। किस लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है? तो ये घाघ को कहा जाता है। हर्षचरित किसका ग्रंथ है? तो आपका बाणभट्ट का ग्रंथ है। मैं आपको किताबों की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, प्रमुख किताबों किताबें होंगी जिसमें बाणभट्ट की अन्य रचना है आपकी हर्षचरित्र और कादंबरी। तो आज हम आपके यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने ये सारी वीडियो देखी हुई है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखी तो सारी वीडियो फिर से देख लीजिए, और अगर आपने सारी वीडियो देखी हुई भी है तो आप फिर से एक दो दो बार इनको देखते रहिए, आपको जैसे याद रहे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।